ये पंचायत ऑफिस की दीवारों पर क्या लग रहा है वंदे? अरे नन्ही, पंचायत ऑफिस में इंटरनेट राउटर लग रहे हैं। जन जन तक इंटरनेट को पहुंचाने के बाद भारत सरकार अब ई गवर्नेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका लक्ष्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकियों का प्रयोग नागरिकों को सरकारी सूचनाएं, सेवाएं एवं उनके साथ संबंध स्थापित करना है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है वंदे? विविधताओं से भरे भारत जैसे विकासशील देश में शासन की जटिलताओं को कम करना व सरकार एवं नागरिकों के मध्य संबंध मजबूत करना आसान काम नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि बहुत मजबूती के साथ ई गवर्नेंस योजना से हर गांव को जोड़ा जाए, इसलिए पंचायत कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। इससे हमारी पंचायतों को किस तरह से लाभ होगा भला? लाभ होगा नन्ही, तुम्हें मालूम है ई गवर्नेंस की संकल्पना को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत गांवों तक लाया जा रहा है। ई पंचायत से ग्रामीणों को आशा की नई किरण मिलेगी, क्योंकि इससे पंचायत राज संस्थानों में आधुनिकता, पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, नागरिक भागीदारी और कार्यकुशलता आएगी। क्या इंटरनेट के माध्यम से पंचायतों की कार्यप्रणाली भी आधुनिक, तेज और सरल हो जाएगी? हाँ, क्यों नहीं नन्ही। मुझे बताओ कि आखिर इंटरनेट किस तरह से पंचायतों के लिए लाभकारी होगा? हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पहले तो मैं तुम्हें यही बता देता हूँ कि इंटरनेट आखिर है क्या। ध्यान से सुनो। इंटरनेट एक ऐसा वैश्विक नेटवर्क है जिसकी सहायता से दुनिया भर में करोड़ों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वास्तव में इंटरनेट विश्व भर में लोगों को संचार, सूचना और डेटा के आदान प्रदान की सुविधाएं प्रदान करता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो इंटरनेट आपस में राउटर और स्विच के माध्यम से जुड़े कंप्यूटरों का जाल है। इस विशाल नेटवर्क में निजी, सार्वजनिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक और सरकारी आदि सभी नेटवर्क हैं। ये सभी वायरलेस या फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। आज इसकी सहायता से कुछ ही सेकेंडों में आप किसी सूचना या मैसेज को विश्व के किसी भी भाग में भेज सकते हैं या किसी भी भाग से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के महत्व, बहु उपयोगी साधन, समय और पैसों की बचत, पारदर्शिता, संचार, चैटिंग, विज्ञापन, व्यापार, नौकरी, रोजगार, सुरक्षा, मनोरंजन। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बहु उपयोगी साधन, दुकान, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, मेट्रो, रेलवे, व्यापारिक उद्योग, एनजीओ, विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय आदि में इसका उपयोग हो रहा है। समय और पैसों की बचत। डेटा को कंप्यूटरीकृत करके एक तरफ जहां कम समय में अधिक काम हो रहे हैं, वहीं बड़े स्तर पर कागजी कार्रवाई से भी निजात मिल रही है। पारदर्शिता। इंटरनेट ने आज सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता को बढ़ाया है, जिससे काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार भी कम हो रहा है। संचार। इंटरनेट के माध्यम से आज हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं अथवा किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। चैटिंग। ये संदेश को भेजने का सबसे सरल माध्यम है। आज लोग चैटिंग के माध्यम से कई तरह के कार्य कर रहे हैं। विज्ञापन। विज्ञापन जगत की आज पहली पसंद इंटरनेट है। इंटरनेट की सहायता से कंपनियां अपनी सेवाओं और वस्तुओं का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कर सकती हैं।
व्यापार। आज के समय में इंटरनेट ने व्यापार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज उसी का व्यापार सफल है जिसने इंटरनेट के उपयोग को समझा है। नौकरी रोजगार। अक्सर ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि इसी इंटरनेट तथा उससे जुड़े हुए कार्यों ने नई नौकरियों एवं रोजगार के अवसरों का सृजन भी किया है। सुरक्षा। आज इंटरनेट के जरिए सुरक्षा क्षेत्र में हम मजबूत हो रहे हैं। अपने उन्नत उपग्रहों के माध्यम से भारत सीमाओं की कड़ी निगरानी रख रहा है। देश की सुरक्षा के लिहाज से भी ये सैटेलाइट काफी महत्वपूर्ण है। इन उपग्रहों के माध्यम से देश की सीमाओं की वास्तविक तस्वीरें लेने में मदद मिल रही है। वहीं पड़ोसी देशों पर भी हम उपग्रह के जरिए से उस पर नजर रख सकते हैं। मनोरंजन। बदलते हुए समय के साथ इंटरनेट मनोरंजन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत में OTT प्लेटफॉर्मों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ग्राहक भी आज टीवी रेडियो के साथ साथ ऑनलाइन मनोरंजन सुविधाओं का भी लाभ उठाना चाहते हैं। हम इंटरनेट की जब भी बात करते हैं तो www का जिक्र जरूर होता है। ये भला www क्या होता है? अंग्रेजी में www शब्द वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उपयोग में लाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंटरनेट का सबसेट है, किंतु इनका अर्थ समान नहीं है। इनका क्या उपयोग होता है? वेब का संबंध उन पेजेस से है जिन्हें किसी ब्राउजर के उपयोग से एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट रिले और ईमेल सभी इंटरनेट के हिस्से हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं वंदे? रुको, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इंटरनेट और सर्च इंजन के प्रकार। वर्ल्ड वाइड वेब। अंग्रेजी में www शब्द वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उपयोग में लाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंटरनेट का सबसेट है, किंतु इसका अर्थ समान नहीं है। वेब का संबंध उन पैसेज से है जिन्हें किसी ब्राउजर के उपयोग से एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट रिले चैट और ईमेल सभी इंटरनेट के हिस्से तो हैं, लेकिन इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब पेजेस को आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने में सहायक है। हाइपर टेक्स्ट के साथ कोई शब्द या फ्रेज में किसी वेबसाइट का लिंक मिल सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब के कंपोनेंट्स। वेब सर्वर, वेब एड्रेस, वेब ब्राउजर, वेबसाइट। वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से एंड यूजर तक इंटरनेट पर कंटेंट या सर्विसेज उपलब्ध होती हैं। यही सर्वर्स वेब पेज डिलीवर करते हैं। हर सर्वर का एक IP एड्रेस और डोमेन नेम होता है। उदाहरण के तौर पर http://www.google.com/index.html वेब ब्राउजर को एक अनुरोध भेजता है जिसका डोमेन usegoogle.com है। तब सर्वर पेज नेम्ड index.html को खोजता है और उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर भेजता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद कंटेंट को खोजता, प्राप्तकर्ता और पारदर्शित करता है। इसमें वेब चित्र, वीडियो और अन्य फाइल्स होती हैं। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के तौर पर ब्राउजर कंप्यूटर पर रन करने वाला क्लाइंट है जो कंप्यूटर पर रन करता है और वेब सर्वर से संपर्क करते हुए सूचनाओं के लिए रिक्वेस्ट करता है। वेब सर्वर
वेब ब्राउजर को वापस सूचना भेजता है जो कि परिणामों को कंप्यूटर या अन्य इंटरनेट अनुकूल डिवाइस जो कि ब्राउजर को सपोर्ट करते हों उन पर पारदर्शित करता है। वेब पेज से वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। ये डॉक्यूमेंट्स HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे होते हैं। इन्हें वेब ब्राउजर के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। वेब पेजेस स्टैटिक अथवा डायनेमिक हो सकते हैं। स्टैटिक पेज डिस्प्ले होने पर वही कंटेंट दिखाते हैं, जबकि डायनेमिक पेजेस के कंटेंट हर बार एक्सेस करने पर बदल जाते हैं। ये पेजेस विशेष रूप से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे कि PHP, Perl, ASP या JSP में लिखे जाते हैं। एक वेबसाइट पेज का कलेक्शन होता है। एक वेब पेज एक अलग HTML डॉक्यूमेंट होता है। एक वेब एड्रेस एक्सेस प्रोटोकॉल रखने वाला एड्रेस स्ट्रिंग होता है। इसमें डोमेन नेम और फाइल होती है। सामान्यतः इसका उपयोग इंटरनेट पर वेब पेज चित्र और अन्य डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारियों के एक्सेस करने के लिए डेवलप किया जाता है। वेब ब्राउजर के द्वारा सामान्य प्रदान किए जाने वाले फीचर्स में डाउनलोड, बुकमार्क्स और पासवर्ड मैनेजमेंट हैं। ये एडवर्टाइजमेंट फिल्टरिंग और HTML एक्सेस समेत सैंपल चेक, सर्च इंजन टूल बार्स, टैब्ड ब्राउजिंग कीज, पॉप अप और ब्लॉकिंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। वेब ब्राउजर के प्रकार। आज कई प्रकार के वेब ब्राउजर लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा और सफारी। कुछ ध्यान देने वाली बातें। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पेश किया गया। आमतौर पर ये दुनिया का सबसे अधिक प्रचलित ब्राउजर है। ये ब्राउजर आसान ऑनलाइन नेविगेशन और डायनेमिक सिक्योरिटी के लिए प्रसिद्ध है। फायरफॉक्स मोज़िला इंटरनेट का दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय ब्राउजर है। गूगल क्रोम गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है। इसे एक खास तरह की तकनीक द्वारा तैयार किया गया है जिससे कम इंटरनेट स्पीड में भी वेब ब्राउजिंग तेज, सुरक्षित और आसान बनी रहती है। ओपेरा को ओपेरा सॉफ्टवेयर ने विकसित किया था। ओपेरा अन्य ब्राउजर की तुलना में छोटा और सबसे तेज है। इसमें कीबोर्ड इंटरफेस, मल्टीपल विंडोज, जूम और कई अन्य फंक्शंस भी शामिल हैं। वेब ब्राउजर को ओपन करने के चरण। चरण एक, स्टार्ट बटन को क्लिक करें। चरण दो, ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन पर जाएं और किसी भी ब्राउजर पर क्लिक ऑन करें। आपके सामने ब्राउजिंग विंडोज आएगा। वेब ब्राउजर का विभाजन। टाइटल बार में वेब पेज और वेब ब्राउजर का नाम डिस्प्ले होगा। साथ ही इसमें तीन विंडोज बटन्स भी होंगे जिन्हें मिनिमाइज, रीस्टोर, डाउन या मैक्सिमाइज और क्लोज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वेबसाइट का नाम या URL जिसे आप ब्राउज करना चाहते हो उसे एड्रेस बार में टाइप करें। इसमें गो या रिफ्रेश का स्टॉप का ऑप्शन भी होता है। गो बटन की सहायता से आप किसी वेब पेज या वेबसाइट को लोड कर सकते हैं। रिफ्रेश बटन वेब पेज को रीलोड करने में सहायक है। स्टॉप बटन का उपयोग एक्सप्लोरर द्वारा किसी अन्य ऑपरेशन को रोकने के लिए किया जा सकता है।
एड्रेस बार के बाईं तरफ बैंक और फॉरवर्ड्स बटन होते हैं। यही बटन्स विजिट की गई पिछली और अगली वेबसाइट पर नेविगेट करने में सहायक रहते हैं। मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल और हेल्प जैसे कई विकल्प होते हैं। वेब पेज एरिया में वेबसाइट या वेब पेज डिस्प्ले होता है। स्टेटस बार किसी वेब पेज के प्रोग्रेस को वेटिंग, लोडिंग या डन के रूप में प्रदान करता है। सर्च इंजन। सर्च इंजन वेबसाइट का उद्देश्य ऐसी वेबसाइट को तलाश करना होता है जो कि उपयोगकर्ता ढूंढ रहा होता है, हालांकि उसे वेबसाइट का एकदम सही पता मालूम नहीं होता है। आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले सर्च इंजन में गूगल, याहू, MSN आदि का नाम शामिल है। गूगल को सबसे अधिक लोकप्रिय सर्च इंजन माना गया है। सर्च इंजन के विभिन्न प्रकार। मल्टी और मेटा सर्च इंजन एक से अधिक व्यक्तिगत सर्च इंजन्स को कीवर्ड्स को खोजने के लिए उपयोग में लाते हैं। गूगल और बिंग इसके उदाहरण हैं। डायरेक्टरी वेबसाइट की डायरेक्टरीज का उपयोग करती है। इनका मैन्युअली परीक्षण किया जाता है। इन्हें जानकारियों के अनुसार वर्गीकृत भी किया जाता है। याहू डायरेक्टरी सर्च इंजन का अच्छा उदाहरण है। सर्च इंजन के उपयोग। सर्च इंजन वे टूल्स हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर जानकारियों को तलाशने के लिए किया जाता है। सर्च इंजन वेब पेजेस जैसे ही होते हैं। इन्हें वेब ब्राउजर का उपयोग कर ओपन करना होता है। सामान्यतः सर्च किसी शब्द या शब्दों के समूह या टॉपिक्स के आधार पर होते हैं। इन शब्दों या फ्रेजेस को कीवर्ड्स कहा जाता है। सर्च परिणाम में वेब पेजेस, इमेजेस, सूचनाएं और अन्य प्रकार की फाइलें शामिल होती हैं। इस तरह से करें सर्च। चरण एक, वेब ब्राउजर को स्टार्ट करें। चरण दो, https://www.google.co.in को लोकेशन बार में टाइप करें। चरण तीन, आप जो भी जानकारी चाहते हैं उसे यहां टाइप करें। उदाहरण के लिए अगर आप जम्मू कश्मीर पर्यटन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में यही टाइप करें। चरण चार, सर्च को स्टार्ट करने के लिए सर्च बटन को क्लिक करें। आप कीबोर्ड पर एंटर की भी दबा सकते हैं। चरण पांच, परिणाम स्वरूप दिखने वाले लिंक्स पर निगाह डालें। हर वेबसाइट के बारे में संक्षिप्त विवरण दिखाई देगा। सबसे सही लिंक पर क्लिक करें। इंटरनेट सेवा की तकनीक और जेनरेशन। भारत में 5G तकनीक के आने की चर्चा जोरों पर है। कुछ मोबाइल कंपनियों ने 5G फोन लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद में अलग अलग मोबाइल डेटा कंपनियों में प्रतिस्पर्धा चरम पर पहुंचने की संभावना है। अक्सर हम भी 1G, 2G, 3G, 4G और 5G की बात करते रहते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इंटरनेट सेवा की तकनीकों और उसके अलग अलग जेनरेशंस का मतलब क्या है? चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। 1G तकनीक। 1G तकनीक को दुनिया में वायरलेस टेलीफोनी की पहली तकनीक कहा जाता है। ये तकनीक पहली बार 1980 में सामने आई और लगभग 1993 तक इसका उपयोग किया गया। 1G तकनीक में डेटा की आवाजाही की रफ्तार 2.4 KBPS थी। इस तकनीक की सबसे बड़ी कमी इसमें रोमिंग का ना होना था। इस तकनीक से मोबाइल फोन पर आवाज की क्वालिटी आज की तुलना में काफी खराब आती थी। साथ ही इससे बैटरी की भी बहुत अधिक खपत होती थी। इस तकनीक पर चलने वाले मोबाइल हैंडसेट
बहुत भारी हुआ करते थे और एनालॉग सिग्नल पर आधारित होते थे। 2G तकनीक। 2G तकनीक की शुरुआत 1991 में फिनलैंड में हुई। ये तकनीक ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन पर आधारित थी। इसे संक्षिप्त रूप में GSM टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस तकनीक में पहली बार डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया गया, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। इस तकनीक के माध्यम से फोन कॉल के अलावा पिक्चर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेज भेजना संभव हो गया। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसे इस्तेमाल करने से काफी कम ऊर्जा की खपत होती है और फोन की बैटरी भी काफी ज्यादा समय तक चलती थी। इस तकनीक पर डेटा की रफ्तार 50,000 बिट्स प्रति सेकेंड तक थी। 2G तकनीक मुख्य रूप से आवाज के सिग्नल को प्रसारित करने के लिए जाना गया। 2G तकनीक से डाउनलोड और अपलोड की अधिकतम स्पीड 236 KBPS किलोबाइट प्रति सेकेंड हो गई। इसके एडवांस वर्जन को 2.5G और 2.7G नाम दिया गया, जिसमें डेटा के आदान प्रदान की रफ्तार पहले की अपेक्षा बढ़ गई। 3G तकनीक। 3G तकनीक की शुरुआत 2001 में जापान में हुई। इसका मानकीकरण इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ने किया। इसके माध्यम से टेक्स्ट, तस्वीर और वीडियो के अलावा मोबाइल टेलीविजन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल करना आसान हो गया। इसे संचार जगत में किसी क्रांति की तरह देखा गया और इसने मोबाइल फोन की अगली पीढ़ी यानी कि स्मार्टफोन को प्रोत्साहित किया। 3G तकनीक में डेटा के आने जाने की रफ्तार 40 लाख बिट्स प्रति सेकेंड तक संभव हो गई। 3G तकनीक का जोर मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफर पर ही रहा। 2G तकनीक के मुकाबले 3G की एक अहम खासियत ये रही कि इसे आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए अधिक सुरक्षित माना गया। 3G तकनीक की अधिकतम डाउनलोड स्पीड 21 Mbps और अपलोड स्पीड 5.7 Mbps तक रही, जिसमें मोबाइल फोन के लिए ऐप बनाने का रास्ता खुल गया। 4G तकनीक। 4G तकनीक साल 2000 के अंत में आई। इसे मोबाइल तकनीक की चौथी पीढ़ी के रूप में जाना गया। इस तकनीक के माध्यम से 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड संभव हो सकी। इसके सहारे डेटा का डाउनलोड अपलोड आसान हो गया। 4G ने ग्लोबल रोमिंग को सपोर्ट किया। ये तकनीक 3G के मुकाबले बहुत सस्ती रही और इसने सिक्योरिटी के फीचर्स भी ग्राहकों को प्रदान किए। 5G तकनीक। 5G तकनीक साल 2010 में आई और इसे ही मोबाइल नेटवर्क की पांचवी पीढ़ी कहा गया। इसे बनाते समय वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब मोबाइल इंटरनेट का ध्यान रखा गया। इस तकनीक ने बड़े पैमाने पर डेटा के आदान प्रदान को संभव बना दिया। इसमें HD क्वालिटी के वीडियो के साथ साथ मल्टीमीडिया न्यूज़पेपर प्रसारित करने की सुविधा मिली। साथ ही इस तकनीक से वीडियो कॉलिंग के क्षेत्र में क्रांति आई। इस तकनीक में अल्ट्रा हाई डेफिनेशन क्वालिटी की आवाज का प्रसारण भी संभव हो गया। इस तकनीक ने 1 Gbps से अधिक स्पीड से डेटा की आवाजाही को संभव बनाया। हालांकि अभी तक इसकी अधिकतम स्पीड डिफाइन नहीं हो सकी, क्योंकि अभी तक इस पर कई तरह के शोध चल रहे हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत रियल टाइम में बड़े से बड़े डेटा का आदान प्रदान है। साथ ही इस तकनीक ने संवर्धित वास्तविकता के क्षेत्र में नए रास्ते भी खोले। इस तकनीक के माध्यम से वीडियो कॉल की क्वालिटी कई गुना बढ़ गई। कई शोध बताते हैं कि भारत 5G तकनीक का सबसे बड़ा गढ़ होगा और यहां धड़ल्ले से इसका प्रयोग किया जाएगा। बता दें कि भारत सरकार ने 5G ट्रायल की अनुमति दे दी है,
जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ग्राहकों को ज्यादा नेट स्पीड, कम लेटेंसी और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आदि की सुविधाएं मिलेंगी। अब तक की सेल्युलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस किया करती थी, लेकिन 5G सेल्युलर टेक्नोलॉजी में क्लाउड के क्लाइंट को सीधे कनेक्ट किया जा सकेगा। डिजिटल इंडिया के तहत भारत के सभी पंचायतों को ई पंचायत बनाने की कोशिश हो रही है। ये भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी है। पंचायतों के डिजिटलीकरण से कई तरह के लाभ होंगे। पंचायतों का डिजिटलीकरण और लाभ। पंचायतों के डिजिटलीकरण से एक तरफ जहां सेवाओं की डिलीवरी में सुधार व पारदर्शिता आएगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान होगा। इंटरनेट के सहयोग से पंचायत कार्यालयों में आधुनिकता, पारदर्शिता और कार्य कुशलता को बढ़ावा मिलेगा। ई पंचायत की सहायता से पंचायत अपने बुनियादी कार्य जैसे योजना, निगरानी, कार्यान्वयन, बजट, लेखा, सामाजिक लेखा परीक्षा, सड़कों की साफ सफाई आदि को बड़ी आसानी से कर पाएगी। इसके अलावा नागरिकों को भी कई तरह की सेवाएं मिलेंगी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र, सब कुछ बड़ी आसानी से बन जाएगा। इन मामूली कार्यों के लिए नागरिकों को लंबी लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंटरनेट के माध्यम से समय, ऊर्जा एवं धन की बचत होगी। डिजिटल संचार के माध्यम से सरकार एक तरफ जहां किसी भी तरह की सेवा, सहायता और सूचना को गांवों तक पहुंचा सकेगी, वहीं ग्रामीण भी घर बैठे आवेदन, अद्यतन शुल्क व नामांकन आदि का लाभ उठा सकेंगे। ई पंचायत सेवाओं के उद्देश्य। पंचायत और आम जनता के बीच बेहतर संवाद को बढ़ावा देना, नागरिकों को शिकायत, सुझाव या अपनी मांग को रखने का अधिकार देना, शासन और प्रशासन के प्रति लोगों को सचेत करना, पंचायत के कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करना, प्रभावी निर्णय लेना, आम जनता को अच्छी और बेहतर सेवाएं प्रदान करना, इंटरनेट के सहयोग से पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को समाप्त करना, कर्मचारियों और ग्रामीणों के मध्य सामंजस्य बैठाना, इंटरनेट द्वारा शासन दक्षता में सुधार करना, आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर करना। ई पंचायत में सहभागिता को 4 चरणों में बांट सकते हैं, जैसे पा से पा, वो कार्य जो पंचायत से पंचायत के मध्य होते हैं, पा से ना, वो कार्य जिसका सरोकार पंचायत और नागरिकों के मध्य है, पासे वा, वो कार्य जो पंचायत और व्यापार के मध्य है, पासे का, वो सभी कार्य जिसका सरोकार पंचायत और उसके कर्मचारियों के मध्य है। इंटरनेट के माध्यम से संचार करना, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है। जिस तरह से हम डाक के माध्यम से एक पत्र भेजते हैं, उसी तरह से ईमेल से भी पत्र भेजा जाता है। ये संचार का आधुनिक स्वरूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवाओं में से एक है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भेजा व प्राप्त किया जाता है। ईमेल का उपयोग व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के बीच संचार के लिए किया जा सकता है। ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। वेब पते की तरह ही ईमेल का भी अपना एक पता होता है। इसी ई पते के माध्यम से सही इंसान तक ईमेल भेजा जाता है। ब्राउजर प्रोग्राम की तरह ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए विशेष ईमेल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तथा आउटलुक एक्सप्रेस आदि।
ऐसे भेजें ईमेल। चरण एक, मैसेज विंडो को देखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करें। चरण दो, आप जिस व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी फील्ड में टाइप करें। चरण तीन, अपने संदेश को मैसेज एरिया में टाइप करें और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट टॉपिक में लिखें। चरण चार, अगर ईमेल को विभिन्न लोगों के पास भेजना चाहते हैं तो इसके कॉमा का प्रयोग करके उनकी आईडी को टू फील्ड में टाइप करें। चरण पांच, संदेश लिखने के बाद सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपका संदेश सही जगह पर पहुंच जाएगा। पंचायतों में इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है वंदे, लेकिन ये भला पंचायत सभा में साइबर अपराधों पर बैठक क्यों बुलाई गई है? क्या तुम्हें साइबर अपराध के बारे में नहीं मालूम है? नहीं वंदे, मुझे साइबर अपराध के बारे में नहीं पता। कंप्यूटर का उपयोग करने वालों को साइबर अपराधों की जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे इसके बारे में बताओ ना। हाँ बाबा रुको, मैं तुम्हें साइबर अपराधों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। कंप्यूटर और साइबर अपराध के प्रकार। जानकारी चोरी करना, अक्सर साइबर चोर घर बैठे ही किसी कंप्यूटर से उसकी गोपनीय जानकारी चोरी कर लेते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को ऐसे में सचेत रहने की आवश्यकता है। जानकारी मिटाना, ऐसा भी देखने में आता है कि कई बार साइबर चोर कंप्यूटर से महत्वपूर्ण जानकारियों को मिटा देते हैं। इससे भारी नुकसान होता है और कई बार गंभीर तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फेर बदल करना, जानकारियों में फेर बदल करके भी ऑनलाइन धोखाधड़ी की जाती है। भारत में इस तरह की हजारों घटनाएं हुई हैं। जानकारी सार्वजनिक करना, अक्सर साइबर चोर अपने फायदे के लिए गोपनीय जानकारियों को सार्वजनिक कर देते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था, पार्टी या सरकार को भारी नुकसान होता है। क्या साइबर अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है वंदे? हाँ, अगर कंप्यूटर चलाते समय सावधानी ना बरती जाए तो कोई भी साइबर अपराधों का शिकार हो सकता है। मुझे इसके बारे में बताओ ना, मुझे बताओ कि साइबर अपराध किस तरह के होते हैं, ताकि मैं स्वयं को और लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकूं। साइबर अपराध और उनके प्रकार। सैंपल ईमेल। साइबर अपराधों में सबसे अधिक योगदान सैंपल ईमेल का है। ऐसे ईमेल कंप्यूटर फाइल्स को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार मात्र इन्हें खोलने भर से ही पूरे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। हैकिंग। किसी भी निजी जानकारी को हैक करना हैकिंग कहलाता है। अक्सर साइबर चोर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम में कमजोरी खोज निकालते हैं और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर किसी को धमकी देते हैं। कंप्यूटर हैक करने वाले इंसान को अंग्रेजी में हैकर कहा जाता है। इन चोरों को कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होता है। साइबर फिशिंग। आज के समय में हजारों लोग फिशिंग अटैक के शिकार हो रहे हैं। साइबर फिशिंग के तहत साइबर चोर असली वेबसाइट की तरह ही हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं और लोगों को तरह तरह से झांसा देते हैं। इन फर्जी वेबसाइट पर लोग जैसे ही आईडी और पासवर्ड डालते हैं, चोर उसे कॉपी कर लेते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस फैलाना। जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए वायरस खराब है, उसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी वायरस खराब है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर उसे कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इनसे सुरक्षित रखना आज के समय में किसी चुनौती से कम नहीं है। सॉफ्टवेयर पायरेसी।
महंगे सॉफ्टवेयर की नकल तैयार कर उसे सस्ते दामों में असली सॉफ्टवेयर के दाम में बेचकर ठगी की जाती है। इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचता है, साथ ही उपयोग करने वाले उपभोक्ता को भी खराब सेवाएं मिलती हैं। फर्जी बैंक कॉल। अक्सर गलत ईमेल या फोन कॉल आदि के जरिए लोगों से निजी या गोपनीय जानकारियां मांगी जाती हैं, जैसे एटीएम नंबर, पासवर्ड, आईडी आदि। इस तरह की जानकारी साझा करते ही साइबर अपराधी हमें ठग लेते हैं। इस तरह साइबर क्राइम से रहें सुरक्षित। डोमेन नाम या ईमेल एड्रेस को अच्छे से पढ़ें। सैम्पलिंग पर विशेष ध्यान दें। साइबर क्रिमिनल आमतौर पर उस तरह का ईमेल यूज करते हैं जो असली कंपनी का होता है। सैम्पलिंग, डिजाइन, फॉन्ट आदि में किसी भी प्रकार का हेरफेर लगे तो उस वेबसाइट पर ना जाएं। किसी भी संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छे से देख लें। अनजान कॉल पर अपनी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ना साझा करें। साइबर क्रिमिनल्स आमतौर पर खतरे की धमकी देते हुए वित्तीय और गोपनीय जानकारी मांगते हैं। अपने कंप्यूटर में प्रभावी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाएं। ध्यान रहे कि नकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एंटीवायरस के नकली पॉपअप पर कभी क्लिक ना करें। अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। नकली ऐप या सॉफ्टवेयर से हमेशा बचें, इनमें वायरस हो सकता है। फोन कॉल या एसएमएस पर अपनी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन में गोपनीय जानकारियों को पासवर्ड या पैटर्न से सुरक्षित करें। पासवर्ड लिखकर रखने की गलती ना करें। उपयोग के बाद सिस्टम को शट डाउन करें। अपने कंप्यूटर को सदैव लॉक रखें। डिवाइस के खो जाने पर आंकड़ों को घर बैठे मिटाया जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाए रखें। वाईफाई को सिक्योर बनाएं और कठिन पासवर्ड रखें। एक अच्छा पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए वंदे? यह तुमने बहुत अच्छा सवाल किया नन्ही। इस बात की जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हमारे प्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन अकाउंट्स को सुरक्षित रखना आवश्यक है और इसके लिए जरूरी है कि मजबूत पासवर्ड का चयन किया जाए। किसी भी अकाउंट का पासवर्ड बनाते समय कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। हर जन प्रतिनिधि को अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि आप मजबूत पासवर्ड का चयन करें, जिससे कोई आपके अकाउंट तक पहुंच ना पाए। किसी भी अकाउंट का पासवर्ड बनाते समय कुछ बातों का ख्याल रखें। लंबे पासवर्ड का उपयोग करें। मजबूत पासवर्ड बनाने का सबसे पहला तरीका यही है कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके आपका पासवर्ड जितना लंबा होगा आपका अकाउंट भी उतना ही सुरक्षित होगा। रचनात्मकता का उपयोग करें। पासवर्ड को बनाते समय रचनात्मकता का उपयोग करें। इसके लिए एक अलग तरह की ट्रिक बनाएं। कहां क्या वर्ड होगा ये तय करें। सामान्य पासवर्ड ना बनाएं। कभी भी अकाउंट का पासवर्ड अपने नाम, अपने परिवार के नाम, जन्म तिथि या फोन नंबर आदि ना रखें। ध्यान रहे कि सामान्य पासवर्ड बनाने से आपका अकाउंट हैक हो सकता है, ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। सभी अकाउंट के लिए एक पासवर्ड ना बनाएं। अक्सर लोग अपने सभी तरह के अकाउंट के लिए एक ही पासवर्ड बना लेते हैं।
ये एक बड़ी गलती है। इस तरह की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। अल्फा न्यूमेरिक का उपयोग करें। अपने पासवर्ड में आप अल्फा न्यूमेरिक तकनीक का उपयोग करें, साथ ही पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी डालें, जैसे सैंपल अंडरस्कोर 23 एट पर हैश। टू स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग करें। पासवर्ड का उपयोग करते समय टू स्टेप वेरिफिकेशन का भी इस्तेमाल करें। दरअसल टू स्टेप वेरिफिकेशन किसी OTP की तरह काम करता है, जिसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर किसी आदमी को आपका पासवर्ड पता है तो भी उसके लॉगिन करते ही आपके पास OTP आएगा। आपके OTP डालने के बाद ही कोई आपका अकाउंट चला पाएगा। तुम्हें पता है वंदे, वो सुरेश है ना, वो अक्सर कक्षा में सो जाता है तो सब बच्चे मिलकर उसे कुंभकरण कुंभकरण कहकर चिढ़ाते हैं। सुरेश शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर है नन्ही, लेकिन सही जीवन शैली और सही खान पान से वो एकदम स्वस्थ हो सकता है। हाँ, यही बात मास्टर जी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि सुरेश को बुली मत करो। हाँ, हमें कभी भी किसी को बुली नहीं करना चाहिए। साइबर दुनिया में भी लोग एक दूसरे को बुली करते हैं। ये समस्या इतनी गंभीर है कि इसके लिए बाकायदा दंड के प्रावधान किए गए हैं। साइबर बुलिंग क्या होता है वंदे? क्या वहाँ भी लोगों को तंग या परेशान किया जाता है? हाँ बिल्कुल, आज सबसे अधिक साइबर बुलिंग सोशल मीडिया पर होता है। चलो मैं इसके बारे में भी तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। साइबर बुलिंग, अफवाहों के अलावा सोशल मीडिया पर आज लोग साइबर बुलिंग से परेशान हैं। सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना या निजता का उल्लंघन करते हुए किसी का मजाक बनाना आदि साइबर बुलिंग के तहत आते हैं। साइबर बुलिंग अक्सर किसी को तंग करने, उसे नीचा दिखाने या दूसरों के सामने शर्मिंदा करने के लिए किया जाता है। साइबर बुलिंग एक दंडनीय अपराध है। अफवाहों और साइबर बुलिंग से कैसे बचें? किसी भी फोटो या मैसेज पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आमतौर पर गौर से देखने पर ही अधिकतर झूठ पकड़े जाते हैं। किसी भी खबर, जानकारी, वीडियो या आर्टिकल को आगे फॉरवर्ड करने से पहले अपने स्तर पर उसकी सहायता की जांच कर लें। किसी के नाम से फैल रहे मैसेज को आगे भेजने से पहले सावधान रहें। किसी भी विभाग के नाम से कोई ट्वीट आ रहा हो तो ये चेक करें कि अकाउंट वेरिफाइड है या नहीं। वेरिफाइड अकाउंट से किए गए ट्वीट को ही सत्य माने। अगर आपके क्षेत्र में किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या आपके सामने ऑनलाइन फ्रॉड संबंधित कोई मामला आता है तो ऐसे मामलों की शिकायत 155260 पर करें। बता दें कि भारत सरकार ने इंटरनेट बैंकिंग समेत ऑनलाइन फाइनेंस से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए इस नंबर को चालू किया है। अन्य किसी तरह की साइबर धोखाधड़ी, गलत खबर या सोशल मीडिया पर चल रहे ऑनलाइन असामाजिक गतिविधियों की शिकायत के लिए www.cybercrime.gov.in पर जाएं। आज तो तुमने मुझे कंप्यूटर, इंटरनेट और साइबर अपराधों की बहुत सारी जानकारी दी। अब मैं समझ गई कि इंटरनेट हमारे पंचायतों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, आधुनिक ज्ञान और कंप्यूटर ट्रेनिंग से देश का विकास होगा। हम सभी के प्रयासों से भारत महान होगा।